क्या बेटी, रुक क्यों गई? जो मर्यादा अपने घर के लोगों के लिए बना रखी है, उसे भला मैं कैसे तोड़ सकती हूँ बा? ये लक्ष्मण रेखा तुम्हारे लिए नहीं है बेटी। क्यों, मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ? जरूर हो, लेकिन ये लक्ष्मण रेखा उन लोगों के लिए है जिनसे मैंने रिश्ता तोड़ दिया है। कहने से रिश्ते बनते जरूर हैं बा, लेकिन टूटते नहीं हैं। रिश्ते तो जल की प्रवाह की तरह होते हैं, जिन्हें कोई नहीं रोक सकता। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाल उसकी माँ से जुड़ी हुई होती है, जिसे हम काट देते हैं, फिर भी बच्चा अपनी माँ को माँ कहता है। मन या तन के किसी हिस्से के टूटने या कटने पर रिश्ते नहीं टूटते बा। सांसें बंद हो जाए तब भी रिश्ते यादें बनकर कायम रहते हैं। फिर बा, आपने कैसे सोच लिया कि आपका रिश्ता इस घर से टूट गया है? तेरे सवाल का जवाब देने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तो बा, क्या मैं ये समझूं कि ये मर्यादा मैं तोड़ सकती हूँ? जब समझती है तो मैं पूछती क्यों है? अच्छा देख, अब तू आ ही गई है ना, तो तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। कहिए ना। ये देख, ये टूटी हुई माला के मन के हैं, इन्हें फिर से एक साथ पिरोकर माला बना देगी। बाप, ये तो मैं पिरो दूंगी, लेकिन धागे को गांठ बांधने के लिए दोनों सिरों को मिलाना पड़ेगा। आप इस बात के लिए तैयार हैं? दीदी आ गई। कैसे? दीदी आप कब आई? आज सुबह आई। अच्छा ये बता कि तुझे देर कैसे हो गई? कब से इंतजार कर रही हूँ। दीदी मैं बाकी दवाइयाँ लेने गई थी। अच्छा अच्छा, कि सर गौतम कहाँ है? दीदी वो क्या वो लगा रखा है? कि सर सुबह से ढूंढ रही हूँ उसे, बताना गौतम कहाँ है। दीदी मैं तो सुबह जल्दी चली गई थी, आरती भाभी के पास होगा। क्या, आरती ने मुझे कहा कि गौतम तेरे साथ है? केसर, केसर केसर, मैंने पूछा गौतम कहाँ है, जवाब क्यों नहीं दे रही है, रो क्यों रही है? केसर बताना गौतम कहाँ है। अरे मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, केसर गौतम कहाँ है, रो क्यों रही है? अरे बोलती क्यों नहीं? पापा देखिए ना, मैं केसर से पूछ रही हूँ गौतम कहाँ है, रोए जा रही है, जवाब नहीं देती है सीधा सीधा मेरा। आप बोलिए ना पापा, गौतम कहाँ है? तुमने उसे कहा था ना कि गौतम को केसर सुबह लेकर गई है, लेकिन केसर कहती है कि गौतम तुम्हारे पास है। तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो? कोई मुझे सच सच क्यों नहीं बताता गौतम कहाँ है? मैं गौतम को आप सबके भरोसे छोड़कर गई थी, मेरा बेटा कहाँ है, जवाब क्यों नहीं देता कोई? माँ प्लीज बताइए ना, बताइए गौतम कहाँ है? बा बा देखिए ना, मुझे कोई बता नहीं रहा गौतम कहाँ है। मैं भी इनसे 3 दिन से यही पूछ रही हूँ, गौतम कहाँ है गौतम? बा प्लीज पहेलिया मत बुझाइए, मेरा जी घबरा रहा है। बा साफ साफ बताइए ना गौतम कहाँ है। वो 3 दिन से आंख में चोली कर रहा है,
पता नहीं कहाँ चला गया है वो। गौतम अब नहीं आएगा, वो कहीं खो गया है।